ओम शांति। 19/5/2024 के प्राण अव्यक्त बाप दादा के धारणा युक्त मधुर महावाक्य हैं। रिवाइज है 15/12/99। हेडिंग है मुरली की, संकल्प शक्ति के महत्व को जान, इसे बढ़ाओ और प्रयोग में लाओ। आज ऊंचे से ऊंचा बाप अपने चारों ओर के श्रेष्ठ बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं, क्योंकि सारे विश्व की आत्माओं से आप बच्चे श्रेष्ठ अर्थात हाईएस्ट हो। दुनिया वाले कहते हैं हाईएस्ट इन दी वर्ल्ड, और वह भी एक जन्म के लिए, लेकिन आप बच्चे हाईएस्ट श्रेष्ठ इन दी कल्प हैं। सारे कल्प में आप श्रेष्ठ रहे हैं, जानते हो ना। अपना अनादि काल देखो, अनादि काल में भी आप सभी आत्माएं बाप के नज़दीक रहने वाले हो, देख रहे हो। अनादि रूप में बाप के साथ साथ समीप रहने वाले श्रेष्ठ आत्माएं हो। रहते भी सभी हैं, लेकिन आपका स्थान बहुत समीप है, तो अनादि रूप में भी ऊंचे ते ऊंचे हो। फिर आओ आदिकाल में सभी बच्चे देव पदधारी देवता रूप में हो, याद है अपना दैवी स्वरूप। आदिकाल में सर्व प्राप्ति स्वरूप हो, तन मन धन और जन चारों ही स्वरूप में श्रेष्ठ हैं, सदा संपन्न हो, सर्व प्राप्ति स्वरूप हो। ऐसा देवपद और किसी भी आत्माओं को प्राप्त नहीं होता, चाहे धर्मात्माएं हैं महात्माएं हैं, लेकिन ऐसा सर्व प्राप्तियों में श्रेष्ठ अप्राप्ति का नाम निशान नहीं है, कोई भी अनुभव नहीं कर सकता। फिर आओ मध्यकाल में, तो मध्यकाल में भी आप आत्माएं पूज्य बनते हो, आपके जड़ चित्र पूजे जाते हैं। कोई भी आत्माओं की ऐसे विधि पूर्वक पूजा नहीं होती, जैसे पूज्य आत्माओं की विधि पूर्वक पूजा होती है। तो सोचो ऐसे विधि पूर्वक और किसी की पूजा होती है? हर कर्म की पूजा होती है, क्योंकि कर्म योगी बनते हो तो पूजा भी हर कर्म की ही होती है। चाहे धर्मात्मा या महान आत्माओं को साथ में मंदिर में भी देखते हैं, लेकिन विधि पूर्वक पूजा नहीं होती। तो मध्यकाल में भी हाईएस्ट अर्थात श्रेष्ठ हो। फिर आओ वर्तमान अंत काल में, तो अंत काल में भी अब संगम पर श्रेष्ठ आत्माएं हो। क्या श्रेष्ठता है? स्वयं बाप दादा परमात्मा और आदि आत्मा अर्थात बाप दादा दोनों द्वारा पालना भी लेते हो, पढ़ाई भी पढ़ते हो, साथ में सतगुरु के द्वारा श्रीमत लेने के अधिकारी भी बनते हो। तो अनादिकाल आदिकाल मध्यकाल और अंतकाल में भी हाईएस्ट हो, श्रेष्ठ हो। इतना नशा रहता है जो बाबा ने सब बताया, हम बच्चों को इतना नशा रहता है। बाप दादा कहते हैं इस स्मृति को इमर्ज करो मन में बुद्धि में, इस प्राप्ति को दोहराओ। जितना स्मृति को इमर्ज रखेंगे उतना स्मृति से रूहानी नशा होगा, खुशी होगी, शक्तिशाली बनेंगे। इतना हाईएस्ट आत्मा बने हैं, ये निश्चय है पक्का कि हम ही हाईएस्ट श्रेष्ठ बने थे, बने हैं और सदा बनते रहेंगे, पक्का निश्चय है। तो हाथ उठाओ। टीचर्स ने भी हाथ उठाया, माताएं तो सदा खुशी के झूले में झूलती ही हैं, झूलती है ना। माताओं को बहुत नशा रहता है। क्या नशा रहता है? हमारे लिए बाप आया है, नशा है ना। बाप से सभी ने नीचे
द्वापर से सभी ने नीचे गिराया, इसलिए बाप को माताओं पर बहुत प्यार है। और खास माताओं के लिए बाप आए हैं, खुश हो रहे हैं, लेकिन सदा खुश रहना है, सिर्फ अभी नहीं लेकिन सदा खुश रहना है। ऐसी नहीं अभी हाथ उठा रहे हो ट्रेन में जाओ तो थोड़ा थोड़ा नशा उतरता जाए, सदा एक रस अविनाशी नशा हो। कभी कभी का नशा नहीं, सदा का नशा, सदा ही खुशी प्रदान करता है। आप माताओं के चेहरे सदा ऐसे होने चाहिए जो दूर से ही रूहानी गुलाब दिखाई दे। क्योंकि इस विश्वविद्यालय की जो बात सबको अच्छी लगती है, विशेषता दिखाई देती है, वह यही है कि माताएं रूहानी गुलाब समान सदा खिला हुआ पुष्प हैं। और माताएं ही जिम्मेवारी उठाएं, माताएं इतना बड़ा कार्य कर रही हैं। चाहे महामंडलेश्वर भी हैं, लेकिन वह भी समझते हैं कि माताएं निमित्त बनी हैं और ऐसे श्रेष्ठ कार्य सहज चला रही हैं। माताओं के लिए कहावत है, सच है नहीं लेकिन क्या कहावत है, कहावत है दो माताएं भी इकट्ठा कोई कार्य करे बड़ा मुश्किल है। लेकिन यहाँ कौन निमित हैं, माताएं ही तो है ना। जब भी मिलने आते हैं तो क्या पूछते हैं, माताएं चलाती हैं, आपस में लड़ती नहीं, खिटखिट नहीं करती। लेकिन उन्हों को क्या पता कि ये साधारण माताएं नहीं हैं, ये परमात्मा द्वारा बनी हुई माताएं, आत्माई माताएं हैं। परमात्मा वरदान इन्हों को चला रहा है। ऐसे तो नहीं भाई पांडव समझते हैं कि माताओं का मान है हमारा नहीं है क्या, आप भी आपका भी गायन है, पांच पांडव गाए हुए हैं शक्तियों के साथ, सात शीतलाएं दिखाते हैं तो एक पांडव भी दिखाते हैं। और पांडव के बिना माताएं नहीं चला सकती, माताओं के बिना पांडव नहीं चला सकते, दोनों बुझाई चाहिए। लेकिन माताओं को बहुत गिरा दिया था ना, इसलिए बाप माताओं को जो दुनिया असंभव समझती है वह संभव करके दिखा रहे हैं। आप खुश होना माताओं को देख करके या नहीं, भाइयों बोलिएगा खुश होना। अगर माताओं को बाप निमित्त नहीं बनाता तो क्या ज्ञान नई सिस्टम होने कारण पांडवों को देख करके बहुत हंगामा होता। तो माताएं ढाल हैं क्योंकि नया ज्ञान है ना, नई बातें हैं ना। लेकिन बहनों के साथ भाई सदा साथ है। पांडव अपने कार्य में आगे हैं और बहनें अपने कार्य में आगे हैं। दोनों की राय से हर कार्य निर्विघ्न बन चल रहा है। बाप दादा हर रोज बच्चों के भिन्न भिन्न कार्य देखते रहते हैं, नए नए प्लान बनाते ही रहते हैं। समय तो सबको याद है ना, याद है 99 का नंबर चक्कर भी पूरा हो गया ना, क्या सोचते थे 99 आ गया। लेकिन आप सबके लिए सेवा करने का वर्ष, निर्विघ्न रहने का वर्ष मिला। देखो 99 में ही मून भटियां कर रही हो ना, दुनिया घबराती है और आप जितना वो घबराते हैं उतना ही आप सभी याद की गहराई में जा रहे हैं। मन का मौन तो है ही, ज्ञान सागर के तल्ले में जाना और नए नए अनुभवों के रतन लाना, जो बाप दादा ने पहले ही इशारा दिया, सबसे बड़ा खजाना है जो वर्तमान और भविष्य बनाता है। वह है श्रेष्ठ संकल्प का खजाना। संकल्प शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है जो आप बच्चों के पास है। श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति, संकल्प तो सबके पास है लेकिन श्रेष्ठ शक्ति शुभ भावना, शुभ कामना की शक्ति,
मन बुद्धि एकाग्र करने की शक्ति यह है, आपके पास ही है। और जितना आगे बढ़ते जाएंगे उस संकल्प शक्ति को जमा करते जाएंगे, व्यर्थ नहीं कमाएंगे। व्यर्थ गंवाने का मुख्य कारण व्यर्थ संकल्प। व्यर्थ संकल्प बाप दादा ने देखा है, मेजॉरिटी बच्चों के सारे दिन में व्यर्थ अभी भी हैं। जैसे स्थूल धन को इकोनॉमी से यूज करने वाले सदा ही संपन्न रहते हैं, और व्यर्थ गंवाने वाले कहाँ ना कहाँ धोखा खा लेते हैं, ऐसे श्रेष्ठ शुद्ध संकल्प से इतनी ताकत है, श्रेष्ठ शुद्ध संकल्प में इतनी ताकत है जो आपके कैचिंग पावर, वाइब्रेशंस कैच करने की पावर बहुत बढ़ सकती है। ये वायरलेस, ये टेलीफोन आदि आदि जैसे ये साइंस का साधन कार्य करता है, वैसे ही शुद्ध संकल्प का खजाना ऐसा ही कार्य करेगा जो लंदन में बैठे हुए कोई भी आत्मा का वाइब्रेशन आपको ऐसे ही स्पष्ट कैच होगा जैसे यह वायरलेस या टेलीफोन, टीवी, यह जो भी साधन है आदि आदि कितने साधन निकल गए हैं, इससे भी स्पष्ट आपको कैचिंग पावर, एकाग्रता की शक्ति से बढ़ेगी। ये आधार तो ख़त्म होने ही हैं। ये सब साधन किस आधार पर हैं? लाइट के आधार पर ना। जो भी सुख के साधन हैं मेजॉरिटी लाइट के आधार पर हैं। तो क्या आपकी आत्मिक लाइट, आत्म लाइट यह कार्य नहीं कर सकते? जो चाहो वाइब्रेशन नज़दीक के दूर के कैच कर सकेंगे। अभी क्या है, एकाग्रता की शक्ति, मन बुद्धि दोनों ही एकाग्र तब हों तब कैचिंग पावर होगी। बहुत अनुभव करेंगे, संकल्प किया निस्वार्थ स्वच्छ स्पष्ट, वो बहुत क्विक अनुभव कराएगा। साइलेंस की शक्ति के आगे ये साइंस झुकेगी। अभी भी समझते जाते हैं कि साइंस में भी कोई मिसिंग है जो भरनी चाहिए, इसलिए बाप दादा फिर से अंडरलाइन करा रहे हैं कि अंतिम स्टेज, अंतिम सेवा, ये संकल्प शक्ति बहुत फास्ट सेवा कराएगी। इसलिए संकल्प शक्ति के ऊपर और अटेंशन दो, बचाओ संकल्पों की शक्ति को, बचाओ, जमा करो, बहुत काम में आएगी। प्रयोगी इस संकल्प की शक्ति से बनेंगे। साइंस का महत्व क्यों है? प्रयोग में आती है तब सब समझते हैं ना। हाँ, साइंस अच्छा काम करती है, तो साइलेंस की पावर का प्रयोग करने के लिए एकाग्रता की शक्ति चाहिए। और एकाग्रता का मूल आधार है मन की कंट्रोलिंग पावर। जिसमें मनोबल बढ़ता है, मनोबल की बड़ी महिमा है। ये रिद्धि सिद्धि वाले भी मनोबल द्वारा अल्प काल के चमत्कार दिखाते हैं। आप तो विधि पूर्वक कल्याण के चमत्कार दिखाएंगे जो वरदान हो जाएंगे। आत्माओं के लिए संकल्प शक्ति का प्रयोग वरदान सिद्ध हो जाएगा। तो पहले ये चेक करो, मन को कंट्रोल करने की कंट्रोलिंग पावर है। सेकंड में जैसे साइंस की शक्ति स्विच के आधार से स्विच ऑन करो, स्विच ऑफ करो, ऐसी सेकंड में मन को जहाँ चाहो, जैसा चाहो, जितना समय चाहो उतना कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे स्वयं प्रति भी और सेवा प्रति भी सिद्धि रूप दिखाई देंगे। लेकिन बाप दादा देखते हैं संकल्प शक्ति के जमा का खाता अभी साधारण अटेंशन है, जितना होना चाहिए उतना नहीं है। संकल्प के आधार पर बोल और कर्म ऑटोमेटिक चलते हैं, अलग अलग मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है। आज बोल को कंट्रोल किया, आज दृष्टि को अटेंशन में लाया, मेहनत करो, आज वृत्ति को अटेंशन से चेंज करो। अगर संकल्प शक्ति पावरफुल है
तो यह सब स्वतः ही कंट्रोल में आ जाती हैं। मेहनत से बच जाएंगे तो संकल्प शक्ति का महत्व जानो। ये बटियाँ विशेष किस लिए कराई जाती हैं? आदत पड़ जाए, यहाँ की आदत भविष्य में भी अटेंशन देख करते रहे तब अविनाशी हो। समझा क्या महत्व है? आपके पास बड़ा ऊंचे से ऊंचा खजाना बाप ने दिया है। इसे संकल्प, शुभ भावना, शुभ कामना के संकल्प का खजाना है। सबको बाप ने दिया है, लेकिन जमा नंबर वार करते हैं और प्रयोग में लाने की शक्ति भी नंबर वार है। अभी भी शुभ भावना व शुभ कामना इसका प्रयोग किया है। विधि पूर्वक करने से सिद्धि का अनुभव होता है, अभी थोड़ा थोड़ा होता है। आखिर आपके संकल्प की शक्ति इतनी महान हो जाएगी जो सेवा में मुख द्वारा संदेश देने में समय भी लगाते हो, संपत्ति भी लगाते हो, हलचल में भी आते हो, थकते भी हो, लेकिन श्रेष्ठ संकल्प की सेवा में यह सब बच जाएगा। बढ़ाओ इस संकल्प शक्ति को, बढ़ाने से प्रत्यक्षता भी जल्दी होगी। अभी 62-63 वर्ष हो गए हैं, इतनी समय में कितनी आत्माएं बनाई हैं? 9 लाख भी पूरे नहीं हुए और सारे विश्व को संदेश पहुंचाने हैं तो कितनी करोड़ आत्माएं हैं? अभी तक भी भगवान इन्हों का टीचर है, भगवान इन्हों को चला रहा है, करावनहार परमात्मा करा रहा है, यह भी स्पष्ट नहीं हुआ। अच्छा कार्य है और श्रेष्ठ कार्य है, श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं ये आवाज़ तो है, लेकिन करावनहार अभी भी गुप्त है। तो यह संकल्प शक्ति से हर एक की बुद्धि को परिवर्तन कर सकते हो, चाहे ओह प्रभु कह के प्रत्यक्ष हों, चाहे बाप के रूप में प्रत्यक्ष हों। तो बाप दादा अभी भी फिर से अटेंशन दिलाता है कि संकल्प शक्ति को बढ़ाओ और प्रयोग में लाते रहो। समझा? जो बाप दादा ने अभ्यास सुनाया, मन सेकंड में एकाग्र हो जाए, क्योंकि समस्या अचानक ही आनी है और उसी समय अगर मनोबल है तो समस्या समाप्त हो जाती है, लेकिन समस्या एक पढ़ाई पढ़ाने वाली बन जाती है। इसलिए सभी मन बुद्धि को अभी अभी एकाग्र करो। देखो होता है ड्रिल, तो बाप दादा ने ड्रिल कराई, ऐसे सारे दिन में अभ्यास करते रहो। टाइम टू टाइम 1 घंटे में समय निकालो, 2 मिनट 3 मिनट भी ऐसे ड्रिल करते रहो, तो अभ्यास करते 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 निरंतर नेचर बन जाएगी। अच्छा, चारों ओर के श्रेष्ठ आत्माओं को, आदि मध्य और अंत के श्रेष्ठ पार्ट बजाने वाली आत्माओं को सदा अपनी श्रेष्ठ संकल्प की विधि को अनुभव करने वाले, सदा सहज योगी के साथ साथ प्रयोगी बनने वाले, सदा संकल्प शक्ति द्वारा सर्व शक्तियों को बढ़ाने वाले, मन और बुद्धि पर नियंत्रण रखने वाले, सदा प्रयोगी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। देश विदेश के बच्चों को भी बाप दादा देख रहे हैं। संकल्प द्वारा जो याद प्यार या रूह ध्यान करते हैं वो बाप दादा के पास पहुँच जाता है। अभी भी जो साइंस के बल द्वारा सुन रहे हैं, अभी सभी बच्चों को हर देश के
एक एक बच्चे को, एक एक बच्चे को याद प्यार, जनक बच्ची को भी विशेष याद प्यार बाप दादा दे रहे हैं, क्योंकि मन से यहाँ है, तन से वहाँ है, तो सभी को एक एक को विशेष याद प्यार। अच्छा, योग भक्ति का प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है। दादियों से सदा अपने को बाप दादा के नैनों के नूर समझते होना, नैनों में सदा समाई हुई, नैनों में समाने में सदा ही दृष्टि में समाई रहेंगे। यह भी बाप और बच्चों का संगम युग का सुहेज है, मिलना सुनना खाना पीना, यह है संगम के सुहेज। ऐसे ही सुहेज मनाते मनाते अपने घर चले जाएंगे, फिर राज्य में आएंगे। ब्रह्मा बाप के साथ राज्य करना अच्छा है, दुनिया वाले सोचते रहते हैं और आप सदा मनाते रहते हैं, कोई सोच नहीं सकता क्या होगा, कैसे होगा, किस प्रकार का सोच, किसी प्रकार का सोच नहीं है। बच्चे सोचते हैं क्या होगा, बाबा आया है, फिर हम स्वर्ग में जाएंगे, आदि आदि सब बातें बाबा से करते रहते, विचार बहुत सुंदर सुंदर चलते रहते हैं। वरदान, इस अंतिम जन्म में मिली हुई सर्व पावर्स को यूज करने वाले विल पावर संपन्न भाव। स्पष्टीकरण, यह स्वीट ड्रामा बहुत अच्छा बना बनाया है, इसे कोई बदल नहीं सकता, लेकिन ड्रामा में इस श्रेष्ठ ब्राह्मण जन्म को बहुत ही पावर्स मिली हुई हैं। बाप ने विल किया है, इसलिए विल पावर है। इस पावर को यूज करो, जब चाहो शरीर के बंधन से न्यारा कर्मातीत स्थिति में स्थित हो जाओ। न्यारा हूँ, मालिक हूँ, बाप द्वारा निमित आत्मा हूँ। इस स्मृति से मन बुद्धि को एकाग्र कर लो, तब कहेंगे विल पावर संपन्न। स्लोगन, दिल से सेवा करो तो दुआओं का दरवाज़ा खुल जाएगा। दिल से सेवा करो तो दुआओं का दरवाज़ा खुल जाएगा। सूचना है, आज मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। सभी ब्राह्मण वत संगठित रूप में सायं 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष अपने पूर्वज स्वरूप में स्थित हो पूरे वृक्ष को शक्तियों का दान करें। हरेक आत्मा को अपने सन्मुख इमर्ज करते हुए स्नेह भरी दृष्टि दें, अपने पन की अनुभूति कराएं। अव्यक्त इशारा है, जब सुखदाता के बच्चे मास्टर दाता बन गए तो दुख तो आ ही नहीं सकता। दुख का दरवाज़ा बंद, स्वर्ग अर्थात सुख का दरवाज़ा खुल गया। स्वर्ग की टिकट ले ली है ना, सदा खुशी में नाचते रहो। खुशी होगी तो दूसरे भी आपको देखकर खुश होंगे और बाप के समीप आएंगे, आपकी खुशी बाप का परिचय देंगे। कभी भी वियोग में नहीं आना, सदा योगी, सदा योगी। ओम शांति।